हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ फैशन एंड फन। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है बिकॉज हमारे पास इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिजाइनर महमूद भट्टी साहब हैं। आज हम उनसे सारी बातें करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे फ्रॉम लाहौर टू पेरिस, एंड ऑल्सो बिकॉज ही सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स जो उन्होंने पेरिस में गुजारे हैं। सो लेट्स गो एंड टॉक टू महमूद भट्टी साहब। अब हम महमूद भट्टी साहब के घर में आ गए हैं। अभी हम आपको उनका खूबसूरत तरीन घर भी दिखाएंगे, बट पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी महमूद भट्टी साहब से। थैंक यू सो मच महमूद भट्टी साहब कि आप हमारे शो के ऊपर आए हैं, एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इतनी आपकी अमेजिंग पर्सनैलिटी है और आपके कपड़े भी मैंने सुना है उतने ही खूबसूरत हैं। आई होप कि यू नो मैं उसको भी जरा देखूं। बट आप लाहौर कितने दिनों से आए हुए हैं? टेल अस अबाउट योर विजिट, लेटेस्ट विजिट टू लाहौर। ओके, थैंक यू वेरी मच। पेरिस में आपको पता ना, ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, पूरे यूरोप सारा बंद हुआ है, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान आया हूँ। क्योंकि पाकिस्तान भी आए हो, मुझे आप एक साल के बाद में आ रहा हूँ। तो आप मिस करते हैं पाकिस्तान जब आप पेरिस में होते हैं? बिल्कुल, डेफिनेट मैं मिस करता हूँ पाकिस्तान को, लेकिन मेरी जिंदगी अब उधर भी है, इधर भी है। पेरिस ने, फ्रांस ने मुझे सब चीजें दी हैं, पाकिस्तान ने मुझे खून और मेरा चेहरा मुझे पाकिस्तान ने बनाया। लेकिन आपकी पहचान ज्यादातर फ्रांस से, जब आप लोग कहते हैं कि भट्टी पेरिस डिजाइनर फ्रॉम पेरिस, तो वो आपकी पहचान, आपको ज्यादा प्राउड आप फील करते हैं या आपको होता है कि पाकिस्तान में अगर आप डिजाइनिंग कर रहे होते एज अ पाकिस्तानी डिजाइनर आप पहचाने जाते हैं? असल में ना पेरिस में नहीं, पूरे यूरोप में, मतलब 86 कंट्रीज में लोग मुझे वहाँ पे ज्यादा जानते हैं शक्ल से, और सब मेरे नाम से इज्जत करते हैं, मुझे ज्यादा जानते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम रहा हूँ, यहाँ पे बड़े कम लोग मुझे जानते हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि लाहौर से पेरिस तक का आपका सफर, आई एम श्योर बहुत स्ट्रगल आपकी है, बहुत इसमें आजमाइशें और बड़ी मेहनत आपकी हुई है, बट वॉज इट ऑल वर्थ इट? लाहौर से मैं गया था समनाबाद से। अच्छा, सबको, पूरी दुनिया को मेरी लाइफ स्टोरी का पता है, क्योंकि हाँ। वो मैं रहता था बस्तामी रोड, मेरे पास कुछ भी नहीं होता था। गर्मी होती थी, -50 टेम्परेचर, चप्पल नहीं होती थी, आदमी वो गर्मी, और वो यूरोप की सर्दी तो वैसे ही बहुत, यूरोप तो वहाँ पे ना, पाकिस्तान की गर्मी और यूरोप की सर्दी। जब यूरोप आदमी जाता है कहता है यार मैं पेरिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे परफ्यूम की है, वहाँ पे जा रहा हूँ। जब आदमी रियल लाइफ पे एंटर होता है ना, फिर पता चलता है -10 टेम्परेचर है, सर्दी है, तो आपके पास एक कोट भी नहीं है। घर नहीं था तो मैं अंडरग्राउंड मेट्रो में रहता था, -10 टेम्परेचर मीन मतलब इतनी बर्फ होती थी बिल्कुल वहाँ पे, और शूज जो थे पाकिस्तानी थे, पानी अंदर आ जाता था, पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, तो फिर मैं गापे टूटता था कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए, ऐसे मेरी रियल लाइफ शुरू हुई है। अच्छा भट्टी साहब, बताएं आपका फिर पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? इतनी आपने मेहनत की और इतने आपने डार्क टाइम देखा पेरिस में, तो हाउ डिड यू, वो एक पॉइंट कैसा आया आपकी लाइफ? पॉइंट आया मुझे पाकिस्तानी वहाँ पे मिला। अच्छा, आफ्टर 2 मंथ। अच्छा, 2 माह के बाद मेट्रो में रह रहे थे, गार्बेज खा के, उसने कहा आओ मैं तुझे एक सफाई का काम मिलता है वहाँ पे नौकरी। अच्छा, वो सफाई का काम है ना मेरे लिए ऐसे था जैसे मैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन गया। ओए ओए। तो मैंने फटाफट सफाई करनी, मुझे डर था मेरा मालिक मुझे निकालना दे, वो बड़ा वो डर के पैकेट उठाने सफाई करने, तो वो था फैशन का ऑफिस। ओके, तो वो मैं देखता होता था फैशन, मतलब मेरे पास पाकिस्तान में कपड़े नहीं होते थे। अच्छा भट्टी साहब का जो खूबसूरत घर है, भट्टी साहब ये आपने खुद डिजाइन किया है सारा? ये 100% हाँ। मैंने खुद डिजाइन किया है, क्योंकि मेरे लिए ना जो एक फैशन डिजाइनर होता है ना, उसको सब चीजें आनी चाहिए। घर ये सारा 100% ये मेड इन पाकिस्तान है। ओए होए, और ये पेंटिंग्स और हर चीज, वरना मुझे ही लग रहा था यहाँ आके कि ये, क्योंकि भट्टी साहब पेरिस से इतना ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं कि हर चीज, लेकिन उन्होंने मुझे बताई है कि एक एक पेंटिंग, एक एक चीज इस घर की जो है वो मेड इन पाकिस्तान है, और उन्होंने पाकिस्तान के फनकार और पाकिस्तान के आर्टिस्ट और क्राफ्ट सब उन्होंने यहाँ से किया है।
क्योंकि ना ये इसलिए मुझे फख्र होता है कहते हुए क्योंकि ये पाकिस्तानी जो यहाँ पे है ना उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे ज़हन है। तो अब भट्टी साहब हमें अपना ऊपर का भी पोर्शन दिखाएंगे जो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है और लेट्स गो एंड लुक एट द अदर पोर्शन ऑफ हाउस। अच्छा भट्टी साहब आप ये बताएं, आपने इतना नाम कमाया, इतनी शोहरत कमाई, लेकिन पाकिस्तान के साथ आपकी रूट्स उसी तरह स्ट्रांग रही, आपने अपना नाता नहीं तोड़ा पाकिस्तान के साथ? इसलिए मैंने नहीं तोड़ा, पता है कि कितने हम ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उनको चाहिए अपने मुल्क के लिए कुछ काम करें। हर मुझे अल्लाह ने ये दिया फैशन में, मैं पाकिस्तान में फैशन मैं लेके आया था, यहाँ पे किसी को नहीं पता था फैशन शो कैसे होते हैं, फैशन डिज़ाइन कैसे बनते हैं। मुझे शुरू में दर्जी कहते थे, फिर मैंने फैशन डिजाइन स्कूल या यूनिवर्सिटी मैंने बनवाई थी यहाँ पे। अच्छा, ये जो फैशन स्कूल ऑफ डिजाइन, ऑफ कोर्स, हाँ ये सारा मैंने बनाया था। और भट्टी साहब फैशन के अलावा ह्यूमैनिटेरियन आपने बड़ा काम किया, आपने एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया लाहौर में और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड जो है वो कर रहा है उधर, जो लेटेस्ट मशीन्स हैं और जो अफोर्ड कर सकता है वो सब वहां जाते हैं, तो वो आपको कैसे ख्याल आया? वो हॉस्पिटल नंबर वन तो मेरे अकेले का नहीं है। अच्छा। वहाँ पे मेरे तीन डॉक्टर पार्टनर है। ओके। वो ही उसको चला रहे हैं क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरी शेयर होल्डिंग वहाँ पे है लेकिन डॉक्टर वो ही चला रहे हैं। अच्छा। तो बस मुझे शौक है ये हॉस्पिटल ही, मैं और भी काफी मैं चीजें करता हूँ, एनसीएल कॉलेज में, फाउंटेन हाउस में, एसएफ चिल्ड्रन में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, अभी मैंने नॉर्दर्न एरिया में 100 लड़कियों की शादी करवाई। ये मुझे शौक है इन चीजों करने का ना। अब मुझे शौक है असल में ज्यादा यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने का। अच्छा भट्टी साहब आपने मुझे लगता है मॉडलिंग भी की हुई है क्योंकि ये इतनी हैंडसम आपकी तस्वीर है, ये क्या मॉडलिंग कर रहे थे पेरिस में? ये बड़ी मशहूर मॉडलिंग हुई थी पूरी दुनिया में। अच्छा। ये लड़की ने मेरे कपड़े पहने हुए हैं तो मैंने ये पहन के ना तो इनकी तस्वीर दी। अच्छा। ये पता है कि बड़ा मुश्किल शूट था। अच्छा। इतनी बड़ी लड़की को पकड़ना ना, वो फोटोग्राफ के साथ करना ना बहुत। और ये शूट कहाँ हुआ? ये शूट पेरिस में हुआ। अच्छा भट्टी साहब एक तो मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान के जो डिजाइनर्स हैं उनका काम करने का तरीका आपको पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल बहुत हर चीज हो गई है, यू नो प्रेट के अंदर लोग ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते, उन्हें उधर ब्राइडल हो क्योंकि इट्स इजी मनी, लाखों आपको एक ही जोड़े से मिल जाते हैं। और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना है कि एनी एडवाइस फॉर एस्पायरिंग डिजाइनर्स, क्योंकि कई ऐसे डिजाइनर्स भी हैं जो वाकई अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाना चाहते हैं अदर देन यू नो जस्ट मेकिंग क्विक मनी। नंबर वन तो पाकिस्तानी जो डिज़ाइनर हैं, मुझे इसलिए खुशी है आप पाकिस्तान में फैशन वीक बन गए, इतने डिज़ाइनर बन गए। पहले तो मुझे लोग दर्जी कहते थे, आप कहते हैं मैं किसी को मिलता हूँ जी मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरी बेटी फैशन डिज़ाइनर है, मेरे ये डिज़ाइनर है। एक फैशन डिज़ाइनर बनना नाम बड़ा ईजी है लेकिन उसको निभाना बड़ा मुश्किल है, वो मैं बताता हूँ क्यों। फैशन डिज़ाइनर जो होता है ना सिर्फ एक सलवार कमीज से फैशन डिजाइनर नहीं बनता, उसकी पूरी एक कलेक्शन बनती है, उसके एक कॉपी राइट्स होने चाहिए। कॉपी राइट्स मीन उसके साथ चीजें चेंज होनी चाहिए जो किसी और इसको कॉपी ना कर सके। नंबर थ्री, इनको चाहिए अपने फैशन को पूरी दुनिया में लेके जाएं, ठीक है, एक पूरी दुनिया में लेके जाएं, जाके अपना एक नाम बनाएं। अच्छा भट्टी साहब आपके कपड़े देखने के लिए तो पेरिस आना पड़ेगा, वो तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी कलेक्शन है जो लाहौर में पड़ी हुई है तो वी वुड लव टू शो आवर ऑडियंस, तो अगर कुछ है तो हमें आप दिखाइए लाहौर में। मैं कुछ कपड़े यहाँ पे वैसे ही लेके मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मैंने डिजाइन किए हुए हैं, ये चीजें बनी हुई हैं, तो ये हो सकता है आपको पसंद आए क्योंकि मैं साथ अपने लेके भी आता सब चीजें। जरूर, नहीं नहीं, वी वुड लव टू सी द कलेक्शन। अच्छा भट्टी साहब की सारी कलेक्शन तो इधर नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत जो उनकी क्रिएटिविटी है वो हम देखते हैं कि क्या अवेलेबल है, ताकि थोड़ा सा हमें भी मजा आए उनकी कलेक्शन देखने का।
तो ये मैं कुछ कुछ कपड़े आपको दिखा रहा हूँ। ब्यूटीफुल स्टनिंग, ये तो कोई बॉल पे पहनने वाला ड्रेस। हाँ लेकिन देखे ना ये सब चीजें जो ना ये आदमी गले में पहनता है बिल्कुल टाई स्टाइल है ना। स्टनिंग, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ये देखे ना और क्या मैं दिखाऊं आपको, सब चीजें थोड़ी ये देखे जी। ये देखे खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सीक्वेंस। हाँ तो ये ना सब चीजें जो ना आदमी को कलर मैचिंग इसकी वो होनी चाहिए। दिस इज अमेजिंग। ये वेरी स्मार्ट, बहुत खूबसूरत, ठीक है ना। इसके इसके पहनने के लिए भी ना आपको एलिगेंस आनी चाहिए। सोचा नहीं यहाँ भी आउटलेट, पाकिस्तान में भी आउटलेट खोलने के लिए, क्योंकि हम भी पहनना चाहते हैं आपके कपड़े। पता है क्या चीजें उसको नाम बनाते हुए ना सालों साल लग जाते हैं, उसको खराब करते हुए ना एक स्किल लगता है। बिल्कुल सही। अगर मैंने इतने सालों में अपनी इज्जत नाम कमाया है ना तो मैं नहीं चाहता एक सेकंड में मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ तो मैं अपना शॉप खोल दूँ और वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ, मेरा नाम खराब हो जाए। इसलिए मतलब बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे लिए यही बहुत बड़ा एक मुझे स्टार इम्तियाज मिला था पाकिस्तान से। मुझे 10 मुल्कों से मिल चुके हुए हैं स्टार इम्तियाज। मैं जज रह चुका हूँ रशिया के लिए, इटली के लिए, पेरिस के लिए, मिस रशिया के लिए, मिस फ्रांस के लिए। भट्टी साहब आपने इतनी एक ग्लैमरस लाइफ गुजारी है तो वो सारी आपने इसके अंदर अपनी एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस इन किताबों में आपने शेयर किए हैं? ये पहली बुक नहीं है, मेरे पास काफी बुक्स आ चुकी हैं मेरी लाइफ पे, मूवीज बन चुकी हैं, पेरिस में सिनेमा मूवीज आ चुकी हैं, ये हाँ बड़ी हिट गई है। ये बुक मैंने इसलिए अब लिखी है पेरिस में मूसा जन्म, क्योंकि मैंने बुक लिखी है अपनी लाइफ पे, पाकिस्तानी लाइफ पे, क्योंकि पाकिस्तान में मैं यहाँ पे आता था, काफ़ी चीज़ें मैंने की हैं, मैंने पहले बताया जो मेरा फ़र्ज बनता है हर पाकिस्तानी का, और फिर मेरी डिवोर्स हो गई, किस वजह से डिवोर्स हुई वो मैंने बुक पे लिखी है, जिन लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की उनका मैंने नाम लेके इस बुक पे लिखा है। और थैंक यू सो मच भट्टी साहब, ये एक इंटरव्यू नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस है जो हमने और मेरे साथ मेरे ऑडियंस ने किया है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड आई होप कि यू कीप कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आप हमें इसी तरह इंस्पायर करते रहें और हमें एडवाइस करें कि जिस तरह आप पेरिस में रह के कॉन्ट्रीब्यूट करें पाकिस्तान के लिए, तो हम भी उसी तरह अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।